नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई, आज के टाइम पर आप सुकून से या कहिए सेफली सड़क पर नहीं चल सकते हैं। अब ऐसा एक तो इसलिए है कि आप अपने गाड़ी को कितना भी सही तरह से क्यों ना चला रहे हो, सामने वाला ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग करते हुए नुकसान पहुंचा देता है। खैर, ये तो चलिए गलत तरह से ड्राइविंग वाली बात हो गई, जो इंडिया में नॉर्मल है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी नई नई चीजें भी सामने आ रही हैं जिससे सड़क पर चलने वाले लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इन्हीं में से एक तो रोड रेज हो गया, जिसके आए दिन कोई ना कोई इंसिडेंट्स मैं आपको चैनल पर दिखाता ही हूँ। इसी के साथ में सड़क पर इस तरह की चोरी या कहिए डकैती की घटनाएं भी बराबर बढ़ती जा रही हैं। और ये चीजें पहले की तरह सुनसान जगहों पर नहीं बल्कि बीच ट्रैफिक में भी हो रहा है, जो आप आज के इस वीडियो में भी देखेंगे, जिसे मिस्टर आयुष ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली दिल्ली में किसी जगह पर हुआ है, जिसे टाटा हैरियर ओनर्स ग्रुप में डाला गया था। इसका पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, हैरियर के आगे लेफ्ट साइड में एक अपाचे से तीन लड़के जा रहे हैं और गाड़ी के सामने एक्टिवा पर एक भाई चल रहे हैं, जो शायद एक हाथ से अपना फोन भी यूज कर रहे हैं। अब होता क्या है, ये अपाचे वाले लड़के धीरे धीरे अपने बाइक को स्कूटी के पास लेकर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर बाइक की स्पीड स्लो होती है और ये बिल्कुल स्कूटी के बगल में लग जाती है, जिसके बाद सबसे पीछे बैठा लड़का स्कूटी राइडर का फोन उसके हाथ से छीन लेता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही झटके से लड़के ने फोन छीना है, वैसे ही स्कूटी राइडर अनकंट्रोल हो गया है, क्योंकि ये भाई एक तो पहले से ही हाथ छोड़कर गाड़ी चला रहे थे, ऊपर से इन लोगों ने अचानक से हाथ से फोन खींचा है, जिस वजह से स्कूटी वाले भाई अनकंट्रोल होकर तुरंत ही सड़क पर गिर गए। हालांकि फॉर्चुनेटली पीछे से आ रही गाड़ियां इनके ऊपर नहीं चढ़ी, वैसे तो सभी की स्पीड नॉर्मल ही थी, इसीलिए इन्होंने कंट्रोल कर लिया। लेकिन एक अर्टिगा राइट साइड से उस समय ओवरटेक कर रही थी, अगर ये थोड़ा और पास में होती तो शायद नुकसान ज्यादा हो जाता। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, देखकर लग रहा भाई काफी हद तक सेफ होंगे। दूसरी तरफ अपाचे वाले फोन लेकर स्पॉट से निकल गए थे। तो भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह खतरनाक सिचुएशन बना है। वाकई में ऐसे लोगों के अंदर बिल्कुल डर खत्म हो गया है, इसीलिए ये जो मन में आता है करते हैं। इस जगह स्कूटी वाले भाई की गलती ये थी कि वो गाड़ी चलाते समय एक हाथ से फोन यूज कर रहे थे, और इन्हें ये नहीं करना चाहिए था, ना कि फोन छीने जाने के डर से बल्कि अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि फोन तो कई सारे लोगों का हैंडल पर स्टैंड में भी लगा होता है, खासकर डिलीवरी बॉयज का। ये लोग उनसे भी ऐसे आसानी से फोन छीन कर भाग सकते हैं और चोट पहुंचा सकते हैं। इन चीजों पर पुलिस को कायदे से ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों को ढूंढ कर पकड़ना चाहिए, ताकि आगे किसी के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो। बाकी आपका इस इंसिडेंट पर क्या मानना है, कॉमेंट में बताइए।